तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन सिक्स में बोला है कि चंदा देवी 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, ठीक है, कुछ रुपया 2 वर्ष के लिए उधार ली। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 2400 रुपया होने पर चंदा देवी कितना उधार ली थी। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए क्या बोला है, चंदा देवी 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ रुपया 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए उधार लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपया होने पर चंदा देवी कितने उधार ली थी, ज्ञात करके बताएं या ज्ञात करके लिखें। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक महिला है जिसका नाम है चंदा देवी, ठीक है, वो बैंक गई, बैंक जाने पर उसे पता चला बैंक कितना प्रतिशत उसको ब्याज दे रहा, 8% के ब्याज दर से ले रहा, ठीक है, बैंक ले रहा, क्योंकि वो पैसा बैंक से ले रही, बैंक में जमा नहीं दे रही इसलिए वो इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा, तो 8% का चक्रवृद्धि ब्याज दर बैंक वाले पास है और उसने कुछ रुपया लिया, बैंक से कितना रुपया लिया ये नहीं बताया गया, ठीक है, इसी को आपको निकालना है कि उस महिला ने बैंक से कितना रुपया लिया है, ठीक है, लिया कितने दिन के लिए, तो 2 वर्ष के लिए उधार लिया था, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए उधार लिया था और उस बैंक ने उसे चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपया लिया, मतलब वो महिला ने जितना रुपया लिया और 2 वर्ष के बाद वो रुपया बैंक में जमा करने गया जो लिया था, तो वो पैसा जमा किया तो बैंक ने उसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज मतलब उसे एक्स्ट्रा ब्याज लिया, तो ब्याज कितना ले लिया, वो 2496 रुपया उस महिला से ले लिया, मतलब वो जो पैसा बैंक वाले दिया वो तो रख लिया प्लस एक्स्ट्रा चार्ज उनसे ले लिया कि आपने इतना दिन के लिए लिए थे इसलिए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया, ठीक है, तो वो महिला तो चंदा देवी ने कितने पैसे लिया था कि उसे इतना ब्याज देना पड़ा, यही क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, तो एक महिला थी वो 8% के ब्याज दर से बैंक से 2 साल के लिए कुछ पैसा ली और बैंक वाले ने उसे बोला ठीक है मैं तुझे दे दूंगा लेकिन 2 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपया मैं लूंगा, तो महिला बोला ठीक है, तो अब चलो हम लोग पता करते हैं कि महिला ने कितना रुपया लिया था कि बैंक को 2496 रुपया उसे देना पड़ा। तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में गिवन रहता है उसे हम लोग लिखते हैं, तो क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या है, तो यहाँ पर 8% दिया हुआ है तो जो कि ब्याज है, सबसे पहले हम लोग रुपया खोजेंगे, देखो यहाँ रुपया दिया हुआ है तो ये रुपया का आगे क्या लिखा हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज होने पर, देखो यहाँ ब्याज साफ साफ बोल दिया इसलिए इसे हम लोग मूलधन नहीं समझेंगे, ठीक है, अगर ब्याज नहीं रहता तो हम लोग समझते मूलधन है, यहाँ साफ साफ बोला ब्याज तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज CI 2496 रुपया, ठीक है, ब्याज बोला इसलिए इसे हम लोग ब्याज के रूप में लिखे 2496 रुपया। अब यहाँ 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, दर बोल दिया है तो यहाँ पर हम लोग समझ जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज दर 8%, ऐसे भी हम लोग समझ सकते थे क्योंकि इसके पीछे प्रतिशत है तो ये दर ही है। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है हिंदी में लिखा है ताकि आप लोगों को खोजने में सुविधा हो, तो ये देखिए 2 वर्ष दिया हुआ, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समय टी इक्वल टू 2 वर्ष, साफ साफ नहीं लिखा है बस आपको हिंदी में लिख दिया, आप लोगों को समझना पड़ेगा पढ़कर। यहाँ एन इक्वल टू 2 नंबर ऑफ टर्म, यहाँ जो टी होता है वही एन इक्वल टू 2 होता है मैक्सिमम टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग से क्या पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा, चंदा देवी ने कितने रुपया उधार ली, उधार ली मतलब क्या हुआ, वो पैसा ही लिया होगा इसलिए ये क्या हो जाएगा, मूलधन, मूलधन बराबर क्वेश्चन मार्क, जिसको हम लोग पी से भी दिखाते हैं क्योंकि पी ही पूछा है, मूलधन बराबर कुछ नहीं पता तो पी मानेंगे। अब ऐसे जब भी आपसे पूछा जाए कि कितने रुपया उधार लिया तो उसे हमेशा मूलधन की जगह पर आप लोग पी मानिएगा, पी मान के बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मूलधन पी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को निकालना पड़ेगा पी, तो पी किसके फॉर्मूला में आता है, मूलधन किसके फॉर्मूला में आएगा, तो देखिए यहाँ पर चूंकि गिवेन में दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज का ही कोई फॉर्मूला बैठाएंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जब हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे तो उसमें आता है क्या, तो मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो जो टोटल अमाउंट बैंक वाले दिए उसमें से अगर हम अपना पैसा निकाल लें तो वह मेरा इंटरेस्ट कहलाता है, तो इसलिए यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का तो हमारा दिया हुआ वैल्यू, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की दरकार नहीं है किस, और मूलधन का नहीं दिया हुआ है और मिश्रधन भी नहीं दिया हुआ, मूलधन और मिश्रधन दोनों नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे, तो कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब 2 वर्ष का मिश्रधन, ठीक है, तो फॉर्मूला वही हो जाएगा पी इंटू 1 + R/100 n, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरह बैठा देंगे, पी का मान नहीं पता है इसलिए पी को पी ए बैठा देंगे, वहाँ हर बार पी का मान दिया रहता था इसलिए पी का मान बैठा देते हैं, यहाँ पी का मान नहीं दिया इसलिए पी को पी उस तरह छोड़ देंगे। अब आर का मान दिया हुआ है तो यहाँ आर का मान बैठा देंगे 8, ठीक है, आर का मान 8 है तो यहाँ पर आर का मान 8 बैठा देंगे, और बाकी सब सेम उसी तरह उतार देंगे, एन इक्वल टू 2 दिया है तो एन की जगह पर यहाँ
टू बैठा देंगे, बाकी ये पूरा सेम उतर गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पी का मान नहीं दिया तो पी को हमेशा उतारते चला जाएंगे, पी को पी, वन का वन हो गया। अब देखो ये आठ और सौ है तो आठ को कटाएंगे चार से, तो चार दुनिया आठ, और चार चार से ही सौ कटाएंगे तो चार से पहाड़ा में सौ के बार में कटेगा पच्चीस बार में, तो यहाँ उतर जाएगा दो बट्टा पच्चीस, क्योंकि चार से कटाए आठ को तो दो बार में कटा, चार से कटाए सौ को तो कटा पच्चीस बार में, इसलिए यहाँ पर हो गया दो बट्टा पच्चीस कटाने के बाद। और ये टू का टू सेम उतर जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो यहाँ पी का पी उतार देंगे, और यहाँ पर देखिए एलसीएम का मेथड आ गया, तो 25 को गुना करेंगे एक में और ऊपर वाला के साथ जोड़ देंगे तो दो है, तो 25 एकम 25 और प्लस दो तो कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ लिखेंगे 27 और बट्टा में 25, नीचे जो रहता है वही यहाँ उतर जाएगा, तो 27 बटा 25 और ये दो का दो यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये ब्रैकेट का ऊपर दो है ना ब्रैकेट में, तो ये होता है स्क्वायर, इसका मतलब क्या बोले थे कि यहाँ जितना रहेगा इसका ऊपर में उतना बार ये ब्रैकेट को लिख देना है, तो यहाँ पी को पी और यहाँ देखो दो है तो दो बार लिखेंगे, तो 27 बटा 25 एक बार, फिर एक बार लिखेंगे 27 बटा 25, गुना करके लिखना है तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 27 गुना 27 है इसको गुना करेंगे 27 गुना 27 तो कितना होता है, तो 729, और ये पी था तो यहाँ पर पी लास्ट में लिख देंगे, तो 729 पी, और नीचे देखो 25 गुना 25 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, तो नीचे लिख देंगे हम लोग बटा करके 625। ये हमारा आ गया मिश्र धन, ये टोटल मेरा क्या निकला मिश्र धन। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो बैठा देंगे फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन। अब मिश्र धन का वैल्यू हमको पता चल गया है, मान कितना है तो 729 पी बटा 625, तो यहाँ मूलधन मिश्र, तो यहाँ पर मिश्र धन के जगह पर हम लोग बैठा देंगे 729 पी बटा 625, और चक्रवृद्धि ब्याज का मान हमको पता है क्वेश्चन में ही दिया है, तो यहाँ से हम लोग बैठा देंगे 2496 रुपया, तो यहाँ पर बैठा देंगे चक्रवृद्धि ब्याज के जगह पर 2496, और मूलधन नहीं पता है। ठीक है, तो मूलधन के जगह पर हम लोग क्या माने P, तो उसका नीचे हम लोग बैठा देंगे P। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेम इसको उसी तरह उतार देंगे 2496 को बराबर का बराबर उतार देंगे, और यहाँ पर देखो ये एलसीएम आ गया, यहाँ पहले हम लोग प्लस वाला के साथ इधर से गुना करके इधर जोड़ते थे, जोड़ते इसलिए थे क्योंकि यहाँ बीच में प्लस होता था। अब इस स्टेप में देखो क्या करेंगे, अब इधर से इसको गुना करेंगे और इसमें घटा देंगे क्योंकि हम माइनस है, तो देखो 625 को पी में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 पी, तो यहाँ पर इसीलिए लिख दिए हैं 729 पी और ये माइनस का माइनस, अब जब इसको गुना किए थे यहाँ पर तो यहाँ हो गया 625 पी, और नीचे 625 है तो 625 लिख दिए, और ये सेम उसी तरह उतार दिए। समझ में आया, यहाँ पर 729 को 729 लिख दिए ये वाला, और 625 को यहाँ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 625 पी, तो यहाँ लिख देंगे 625 पी, चूँकि बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस दे दिए, और बट्टा में क्या हो जाएगा 625। अब क्या करेंगे, ये 625 इधर चला जाएगा। ठीक है, ये होता है बाई सी एम, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से, तो ये 625 ये 2496 साथ गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हम लोग उसी तरह लिखेंगे 2496 गुना 625, यहाँ से इसे गुना कर दे बाई सी एम के अकॉर्डिंग। अब ये इधर चला गया तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 729 पी माइनस 625 पी, तो यहाँ पर हम लोग उतार देंगे 729 पी माइनस 625 पी। अब इसको सेम उतार देंगे, इसको कुछ नहीं करना है, ये बराबर का बराबर। अब देखो 729 माइनस 625 को जब आपस में घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो 104 पी बचेगा, आप इसे इसे घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 104 पी। अब देखो 104 पी को कटाएंगे 2496 को तो कटेगा कितना बार में 24 बार में, तो नीचे में क्या लिखेंगे 24 गुना 625, अब ये तो कट गया इतना, इसका पहाड़ा में इतना बार में कटेगा तो कट गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा पी, क्या बचेगा सिर्फ पी, तो P इक्वल टू का हो जाएगा मेरा, तो 24 गुना 625 इक्वल टू P, और जब 24 को 625 में गुना करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा मेरा 15000। ठीक है, तो P इक्वल टू मेरा क्या हो गया 15000, और चूंकि P बराबर हम लोग क्या माने थे मूलधन, तो हम लोग बोल सकते हैं मूलधन बराबर 15000, तो हम लोग साफ साफ लिख देंगे कि चंदा देवी ने उधार ली थी मूलधन P इक्वल टू 15000, मतलब उस महिला ने बैंक से कितना लिया था 15000 रुपया उधार लिया था। आई होप ये समझ में आ गया होगा, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर।